नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली बीजेपी के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल बलिया जनपद के कलेक्टर सभागार में दिशा की बैठक के दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बीच जमकर विवाद बढ़ गया। बीजेपी सांसद पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वही बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विधायक सुरेंद्र सिंह पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। सांसद मस्त का कहना है कि विधायक सुरेंद्र सिंह कई कांग्रेस व द्वावा मंच सहित कई पार्टियों में जा चुके हैं, बसपा का सपोर्ट भी कर चुके हैं, अब भाजपा से विधायक हैं, उन्हें पार्टी डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। इस घटना से यह तय हो गया कि बीजेपी देश में भले ही एकजुट हो, लेकिन बलिया में हुए बवाल को देखकर यही कहा जा सकता है कि बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई आने वाले समय में सिरदर्द साबित हो सकती है। मानक के अनुसार में जिसको होना चाहिए होना चाहिए, सबको घुसा देगा है, अध्यक्ष जो ही कहेगा वही हो जाएगा। क्या हो गया विधायक जी? अरे महाराज, अध्यक्ष जो है जिसको चाहता है उसी को जो है बैठक में वही बैठेगा, ये मेरे सिद्धांत और विचारों के खिलाफ। बैठक के लिए एक सूची होती है, सूची में जो लोग चिन्हित है उन्हीं को बैठक में रहना चाहिए, और जो है अनावश्यक अपने लोगों को बैठा करके जो है अब कोई विधायक कर रहा है तो आप सब बोलने लगते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं, कोई बात हुई नहीं। दिशा की बैठक में एक सूची होती है, सूची के अनुसार जितने लोग निश्चित होते हैं उतने लोगों को बैठना चाहिए, और जो है अध्यक्ष जो है मनमानी करता है। खुद जो है अभी शिवपुर के भाई महान आदमी जो है 25 बीघा खेत अपने हड़प लिया है। अभी मैं विषय को उठाना ही वाला था, तब तक जो है अब पीछे सब ये करने लगे सर। कौन अध्यक्ष जी? कौन जी? आज बलिया में दिशा की बैठक थी, उस बैठक में ये जानकारी मिली कि जो विधायक हैं बैरिया के वो नाखुश होकर वहाँ से निकल गए, राज्य मंत्री भी। क्या है सर? राज्य मंत्री नहीं गए, राज्य मंत्री तो थे ही मीटिंग में। उनकी एक आदत है, कहीं भी सरकारी गैर सरकारी मीटिंग हो, अराजकता फैलाकर सरकारी पर दबाव बनाना, गलत काम करने के लिए दबाव करना। मैं जिस मीटिंग में चेयरमैन हूँ, मैं स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे आप भी मीटिंग के सिस्टम को समझ सकते हैं, चेयरमैन के संचालन में मीटिंग चलती है ना। आप बताइए। नहीं, आपको नहीं बता। जी जी जी। मैं चेयरमैन हूं तो संचालन कर रहा था, तो संचालन में जब अधिकारी अपनी विभाग की समीक्षा करेगा, फिर जनप्रतिनिधि अपनी बात कहेगा जी। कि जनप्रतिनिधि विभाग की समीक्षा जो अधिकारी करेगा उसमें जनप्रतिनिधि भी समीक्षा करेगा तो बात बनेगी ही नहीं जी जी। तो फिर हम निर्णय तक कहाँ पहुँचेंगे जी? और इससे वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत काम करने के एक रिवाज जो बना है, मीटिंग होने नहीं, मीटिंग हमारे आने के यहाँ में होने के पहले भी झगड़ा गुड़ा करते थे, हमने तो नहीं कहा ऐसा नहीं होगा, मीटिंग हुआ उसके बाद भी मीटिंग हुआ। बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि सांसद जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं, इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया है विधायक सुरेंद्र सिंह ने। नहीं, मनमानी मैं तो मीटिंग संचालित पहले भी किया हूँ यहाँ, और मीटिंग अभी भी संचालित कर रहा था, तो अधिकारी उस बात के अधिकारी क्यों वहाँ टिके रहे जब मनमानी मैं करता हूँ? ये भी विधायक हैं क्यों भाई? मनमानी तो कभी होता है क्या? अब बताइए, सिस्टम से मीटिंग चल रहा था। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो कई ऐसी बैठकें हुई हैं जिसमें सुरेंद्र सिंह नाराज हुए हैं, धूमधड़ाका भी उसमें हुआ है, एक बार और दिशा की बैठक हुई थी उसमें भी वो नाराज हो गए थे काफ़ी जो है, तो किस तरीके से आप देखते हैं सुरेंद्र सिंह विधायक को? तो अभी 1.25 साल हुए मुझे आए, मैंने सुना है कि यहाँ बैठकों में मारी मारा होती थी, बैठकें होती नहीं जी। मैंने उस परंपरा को तोड़ा है, बैठकें मीटिंग हो रही है, टाइम से हो रही है, आप भी देखे जी। तो कोई इस तरह का अराजकता फैलाकर मीटिंग नहीं होने देगा, ये होगा होगा नहीं, मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अराजकता फैलने नहीं देंगे, और उनके विधायक ही अगर अराजकता करते हैं मीटिंग के दौरान, तो क्या इसका सलूशन क्या है सर? उस समय हर चीज का सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले।